स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और सवाल करना चाहते हैं लैग्रांज विधि पर। इसमें हमने पिछली बार भी एक सवाल किया था, आज और सवाल कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है ये? एक्स स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर 4 अंडर दिस कंडीशन। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, दो कंडीशन दी हुई हैं। अब तक हमने जो सवाल किया था उसमें केवल एक ही कंडीशन थी, और आर्टिकल में भी हमने एक ही कंडीशन के लिए बातचीत की थी। तो दो कंडीशन में यदि दी हुई हों तो सवालों को किस ढंग से हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने माना जो दिया गया व्यंजक था उसको मैंने यू मान लिया है, और फिर ये दो कंडीशंस थी। क्लियर है ये लाइनें? हमने आर्टिकल में किया था कि जी इज इक्वल टू यू प्लस लैम्ब्डा फाई। यहाँ दो कंडीशन है तो मैंने बताया था कि जी इज इक्वल टू यू प्लस लैम्ब्डा 1 फाई 1 प्लस लैम्ब्डा 2 फाई 2। यूँ मान लें, यदि दो से अधिक कंडीशन हो तो और भी हम इसमें एक्सप्रेशंस जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ जी को इसी प्रकार मान लिया है, ये दिया गया व्यंजक था जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, लैम्ब्डा 1 और साथ में फिर ये कंडीशन और प्लस लैम्ब्डा 2 और ये कंडीशन। क्लियर है दो और तीन से? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी ये बात। और अब हम क्या करें, इस जी का एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लें। तो डेल जी ओवर डेल एक्स कितना आएगा? डेल जी ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलज अपॉन ए टू द पावर 4, वाई का 0, जेड का भी 0। यहाँ एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए गए हैं, मैक्सिमम मिनिमम की जांच करेंगे तब हम जेड को एक्स और वाई का फलन मानेंगे। लैम्ब्डा 1 इंटू एल एक्स का अवकलज 1, वाई का 0, जेड का 0, फिर लैम्ब्डा 2 और एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का 0। क्लियर है ये लाइन? इसी प्रकार डेल जी ओवर डेल वाई निकाल दिया और डेल जी ओवर डेल जेड निकाल दिया। यहाँ एक्स और वाई के अवकलज जेड के सापेक्ष शून्य होंगे। क्लियर है ये लाइन? और हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होना चाहिए। डेल जी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल जी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल जी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। अतः इन समीकरणों से जो ऊपर अभी हमने निकाले हैं ये इनके बराबर 0 रख दें हम। क्लियर है ये लाइन? ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास में? 4, 5, 6, ये तीन कंडीशन आ जाएंगी। क्लियर है ये लाइन? तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। और अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करके एक्स वाई जेड के या यू के मान निकालने हैं, जो कि क्या होंगे, स्तब्ध मान होंगे या एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। क्लियर है ये लाइन? इसके लिए मैं क्या करूँ कि 4 को एक्स से गुणा कर दूँ और 5 को वाई से और 6 को जेड से गुणा कर दूँ। क्लियर है ये लाइन? इसको तो एक्स से, इसको वाई से और इसको जेड से गुणा करके जोड़ दें तो 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा। क्लियर है ये लाइन? और बाकी क्वांटिटी यूँ के यूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ प्लस लैम्ब्डा 1। क्लियर है, यहाँ लैम्ब्डा 1 कॉमन है सब में। क्लियर, और एल को एक्स से गुणा किया, एम को वाई से और एन को जेड से गुणा कर जोड़ दिया तो ये लाइन आ जाएगी। क्लियर है, और प्लस यहाँ भी 2 लैम्ब्डा 2 कॉमन, 2 लैम्ब्डा 2 कॉमन। क्लियर है, यहाँ 2 है ही, ये 2 लैम्ब्डा 2 तो कॉमन, और इसको एक्स से वाई से और जेड से गुणा करूँ तो यही लाइनें आ जाएंगी। क्लियर है ये लाइनें? और आप 1, 2, 3 से यदि मैं मान रखूँ तो 2 गुणा ये क्या है, यू है। क्लियर है ये लाइनें? प्लस लैम्ब्डा 1 ये मान कितना है, 0 है, और प्लस 2 लैम्ब्डा 2। क्लियर है ये लाइन? और इसका मान कितना है, 1, तो दिस इज 0। तो लैम्ब्डा 2 का मान कितना आ गया, माइनस यू आ गया, ये नंबर 7। क्लियर है ये लाइन? ठीक है, अब लैम्ब्डा 2 का मान इन्हीं 4, 5, 6 में रख दें तो
क्या आएगा, इसी 4, 5, 6 यानी कि इन्हीं में ही रख रहा हूँ लैम्डा 2 की जगह, यहाँ इस लैम्डा 2 की जगह, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, क्या रख रहे हैं हम, माइनस यू रख रहे हैं। तो माइनस यू रखते ही मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4 से यहाँ माइनस यू रखा लैम्डा 2 की जगह और इन दोनों को एक साथ रख लिया और 2x कॉमन ले लिया, क्लियर है, और a टू द पावर 4 लघुत्तम ले लिया, क्लियर है। तो ए स्क्वायर यहाँ गुणा हो जाएगा यानी कि 2x कॉमन ए स्क्वायर इंटू यू विद नेगेटिव साइन, तो ए स्क्वायर इंटू यू विद नेगेटिव साइन और यहाँ 1 बचेगा, क्लियर है ये लाइन। और इस लैम्बडा 1 एल को उधर ले गए हम इस साइड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लैम्बडा 1 एल और ए टू द पावर 4 लघुत्तम दिया था वो भी मैंने यहाँ गुणा कर दिया, क्लियर है ये लाइन। और एक्स का मान आ गया माइनस लैम्बडा 1 एल ए टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है ये लाइन। तो ये जो एक्स का मान प्राप्त होगा वो कैसा है, या तो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। इसी प्रकार वाई का मान इसको देखते हुए सिमेट्रिकली हम लिख सकते हैं, क्लियर है, एल की जगह एम आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा। और इसी प्रकार जेड का मान और एक्स वाई जेड के मान ये दो में रखूँ, दो कंडीशन क्या थी हमारे पास में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इजिकल टू जीरो, और एक्स वाई जेड के मान यहाँ एक्स रख दूँ या वाई और यहाँ जेड रखा और ये बटे में दो सम में है, ये मैंने कॉमन ले लिया है एल बाई टू एम बाई टू एंड सो ऑन सो फोर्थ। और सम में से अब माइनस लैम्बडा 1 बाई 2 तो पहले से ही बाहर है, तो ये लैम्बडा 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस लैम्बडा 1 को कॉमन ले लें और ये बटे में 2, ये 2 और ये 2, ये भी मैंने कॉमन ले लिया है, क्लियर है ये लाइन है। अंदर क्या बचेगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा ए टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर यू, क्लियर है ये लाइन है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि ये हमें किस ढंग से करना है, क्लियर है। तो यहाँ भी यही लाइनें बचेंगी, यहाँ भी यही बचेंगी और यहाँ भी ए स्क्वायर यू ही बचेगा, ठीक है ना, क्लियर है ये लाइनें। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये चीज़ें। तो ये यू में एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है जो कि या तो उच्चिष्ट मान देगा या निम्निष्ट मान देगा, क्लियर है ये लाइनें। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये चीज़ें कि हमें किस ढंग से सवाल सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमने यू के मान के लिए उच्चिष्ट निम्निष्ट की जांच नहीं की, हमने एक एक्सप्रेशन ही निकाल दिया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको यदि हम सॉल्व करें तो इससे यू का या तो अधिकतम या न्यूनतम मान मिलेगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करें हम सिंपल सा, कि एक एक्सप्रेशन है इसका, इस कंडीशन के तहत हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, क्लियर है ये लाइन है। तो मान लें यू इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है ये लाइन है। और कंडीशन दे रखी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, राइट। और जी इज इक्वल टू मैंने यू मान लिया ये एक्सप्रेशन प्लस लैम्बडा, अब यहाँ एक ही कंडीशन है तो हम यही मान लेंगे, माइनस 3 यही कर लेंगे। और हमें पता है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या करना पड़ेगा, डेल जी बाई डेल एक्स निकालना है, डेल जी बाई डेल वाई और डेल जी बाई डेल जेड निकालना है, क्लियर है ये लाइन है। और उनको 0 के बराबर रख दूँ तो ये सारे मान 0 के बराबर रखे तो ये 0, ये 0 और ये भी 0 आ गया, क्लियर है ये लाइन है। तो लैम्बडा का मान कितना आया, यहाँ से माइनस 2x, यहाँ से माइनस 2y और यहाँ से माइनस 2z, यानी कि लैम्बडा का मान ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड के मान बराबर होंगे और कितने होंगे, माइनस लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है ये लाइन है, आई थिंक देर इज नो डाउट। और अब ये एक्स वाई जेड के मान हम कंडीशन में रख दें, इस दो नंबर वाली कंडीशन में, यहाँ एक्स वाई जेड की जगह माइनस लैम्बडा बाई 2, क्लियर है ये लाइन है, माइनस लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2 इजिकल टू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 लैम्बडा बाई 2 इजिकल टू 3a और लैम्बडा इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और लैम्बडा इजिकल टू माइनस 2a, क्लियर है ये लाइन है। और अब एक्स वाई जेड के मान कितने आ गए,
एक्स वाई जेड बराबर थर्ड में क्या था, माइनस लैम्डा बाई टू, क्लियर है ये लाइन है। तो एक्स वाई जेड के मान क्या आ जाएंगे, माइनस पहले से ही था और लैम्डा बाई टू का मान रख दो माइनस टू ए अपॉन ये टू है ही, तो ए आ जाएगा, क्लियर है। अब चरम बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, ए ए ए। और अब इसके उत्कृष्ट और निम्निष्ट की जांच करना चाहते हैं तो सेकंड से, सेकंड क्या है हमारे पास में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री ए, और ये मान लें कि जेड क्या है, एक्स और वाई का फलन है, तो एक्स के सापेक्ष उसका आंशिक अवकलन करूँ तो कितना आएगा वन, वाई का जीरो, और जेड का करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स, क्लियर है। जब जांच करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, जेड को जो शेष दो चर हैं एक्स और वाई का फलन मान लेते हैं, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का मान कितना आ गया, माइनस वन, और डेल जेड ओवर डेल वाई का मान भी माइनस वन, क्लियर है ये लाइन है। और अब डेल यू बाई डेल एक्स और इत्यादि हम ज्ञात करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा, दो एक्स, वाई का जीरो और जेड स्क्वायर का टू जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, और डेल जेड बाई डेल एक्स का मान माइनस एक, क्लियर है ये लाइन है। तो यहाँ माइनस एक रखूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू जेड आ जाएगा, क्लियर है ये लाइन है। अब डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो दो एक्स का तो दो, क्लियर है ये लाइन है, और माइनस दो और जेड का डेल जेड बाई डेल एक्स, क्लियर है। और डेल जेड बाई डेल एक्स का मान माइनस एक रखूँ तो माइनस ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दो प्लस दो चार हो जाएगा, क्लियर है ये लाइन है। डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, यानी कि इस एक्सप्रेशन का वाई के सापेक्ष करूँ तो एक्स का तो जीरो और जेड का डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा, और डेल जेड बाई डेल वाई का मान माइनस एक, क्लियर है ये लाइन है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन, यानी कि टू बचेगा, और इसी प्रकार डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर का मान भी चार आ जाएगा, क्लियर है ये लाइन है। इस बिंदु पर आर का मान, आर क्या होता है हम जानते हैं, आर इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना हो गया, फोर, क्लियर है ये लाइन है। डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, और एस कितना होता है हम जानते हैं, एस इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये कितना आ जाएगा, दो, और टी इक्वल टू कितना है, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू भी फोर, क्लियर है। और अब आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आएगा, फोर इंटू फोर माइनस टू का स्क्वायर, सोलह में से गई आठ चार, सॉरी तो कितना बचेगा, बारह, जो कि धनात्मक है, और आर का मान भी चार है जो कि धनात्मक, क्लियर है ये लाइन है। अतः यह बिंदु क्या होगा, निम्निष्ट होगा, और इस यू का निम्नतम मान एक्स वाई जेड की जगह हम क्या रख दें, ए ए ए रख दें, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स थ्री ए स्क्वायर होगा, क्लियर है ये लाइन है। इस प्रकार हम, मैंने दोबारा से बता दिया कि किस तरीके से उत्कृष्ट निम्निष्ट की जाँच करते हैं, क्लियर है ये। अगले लेक्चर में हम अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं।